दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ शिमला मिर्च की बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। यकीन मानिए आपने इसे पहले कभी नहीं बनाया होगा और ये खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि आपने एक बार बना लिया तो हर बार बनाना चाहेंगे। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा कप सूजी लिए। सूजी आप बारीक वाली या मोटी वाली कोई सी भी ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम 1.5 कप पानी। तो हमने यहाँ पर आधा कप सूजी लिए तो इसीलिए हम यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो आप इसकी मेजरमेंट के लिए कोई भी कप या कटोरी सेट कर लें, उसी से सारा मेजरमेंट करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, साथ ही इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब देखने में अच्छा लगे इसके लिए डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब सूजी अच्छे से फूल जाए इसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने अच्छे से धो लिया है और इनका पानी सुखा लिया है। अब इनको बारीक वाले कद्दूकस से हम इस तरीके से कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो मोटे वाले कद्दूकस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी शिमला मिर्च को कद्दूकस कर लेंगे। तो दोस्तों ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे बच्चों के टिफिन में या फिर ब्रेकफास्ट में बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारी शिमला मिर्च को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इन्हें साइड में रख देते हैं। साथ ही हमने पैन को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, साथ ही इसमें डालेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते। अब हमने यहाँ पर 1 इंच अदरक को बारीक काट के लिया है, इसको डाल देंगे। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इनको हम कुछ सेकंड तक भून लेंगे ताकि अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन निकल जाए। तो हमने इन्हें कुछ सेकंड तक भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पर 1 गाजर को कद्दूकस करके लिया है, इसको डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 1 मिनट तक पका लेंगे। तो हमने इनको 1 मिनट तक पका लिया है। अब हमने जो शिमला मिर्च को कद्दूकस करके रखा था उसको डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको चलाते हुए 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो जाएं। तो पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, सब्जियां हल्की सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अब इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच चाट मसाला और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा मिनट तक इनको पका लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए। तो हमने इन्हें आधा मिनट पका लिया है, मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के उबले आलू को कद्दूकस करके लिया है, इनको डाल देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इनको और पका लेंगे। तो दोस्तों आप इसे ब्रेकफास्ट में बच्चों के टिफिन में बना के रख सकते हैं। पकाते हुए 1 मिनट हो चुका है, मसाला बनके तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। साथ ही हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हमने जो सूजी को फूलने के लिए रखा था उसको इसमें डाल देंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अब हम इसको चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे जब तक ये डो की फॉर्म में ना आ जाए। तो सूजी बहुत जल्दी फूलने लगती है। तो जैसे जैसे आप पकाएंगे आप देखेंगे ये गाढ़ी होने लगी है। इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाएंगे। फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम कर देंगे। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात, हमने यहाँ पर आधा कप सूजी ली है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप सही मेजरमेंट से रेसिपी बनाएंगे तो रेसिपी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगी। तो पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सूजी डो की फॉर्म में आ गई है। हमें इसे हल्का सा गीला ही रखना है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। साथ ही मसाला भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मसाला लेंगे और इस तरीके से इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों आपको याद दिला दें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हमने सारी बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं, साथ ही सूजी भी ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इस तरीके से इसे हाथ पे अच्छे से फैला लेंगे। अब हमने जो बॉल्स बना के रखी हैं उनमें से एक बॉल लेंगे और इसके बीच में इस तरीके से रख देंगे और अब हम इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर लेंगे।
और अब हम इसको रोल कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सारे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसे प्लेट में रख देते हैं। अब मैं आपको एक और बॉल बना के दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में बन के तैयार हो जाती है। इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने सारी बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो आज हम इन्हें बहुत ही कम तेल में फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने अपने स्टैंड को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा तेल इस तरीके से डाल देंगे। अब हमने जो बॉल्स बना के रखी हैं, एक एक करके हम इसमें रख देते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन कम तेल में भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम एक तरफ से सिकने देते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगे, तब हम इनको पलटेंगे। तो एक तरफ से सिक चुके हैं, अब हम इनको पलट देते हैं। और इसी तरीके से हम इनको पलटते पलटते हुए अच्छे से चारों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये चारों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनके तैयार है। अगर आप इसे इस तरीके से बनाएंगे तो ये सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।